अब भाजपा तो कह रही है कि हम पता करेंगे, भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है जी। अरे भाई अब क्या है, किस मार खाए क्या है, पता करिए। आप ही तो बोल रहे थे कि बिल पैसे के काम नहीं होते, तो अपराधी भी लगा है बिहार में, तो कबूल कर लो। शासन नहीं चल रहा है, इकबाल डूबा हुआ है, घटना घट गई, पुलिस चल गई, FIR लिख लिया, रिपोर्ट कर गया, फिर ठंडा बस्ता में डाल दिया। रुटीन बात है, नीतीश जी खुद भयभीत है बीजेपी से, कब तोड़ दे उनका पटिया के। लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, पश्चिम झारखंड देख रहे हैं। बिहार में NDA की सरकार है और भाजपा नेता की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जिस तरह से गोली चल रही है, आप लोग लगातार कह रहे हैं कि अपराधी घटनाएं बढ़ गया है, क्या हो रहा है बिहार में? अगर अपराधी बेलगाम है तो इसका इल्म तो सत्ता प्रतिष्ठान को होनी चाहिए ना, बाल चिंता ब्राह्मण के बच्चा, ये ब्राह्मण है कि और अन्य जात है, उसको नहीं निवाला बना है। ये बतवा समझ में नहीं ना रहा है सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े लोग को। अब भाजपा तो कह रही है कि हम पता करेंगे, भाजपा का अध्यक्ष बोल रहा है जी। अरे भाई अब क्या है, किस मार खाए क्या है, पता करिए। आप ही तो बोल रहे थे कि बिल पैसे के काम नहीं होते, अपराधी भी लगा है बिहार में, तो कबूल कर लो। शासन नहीं चल रहा है, इकबाल डूबा हुआ है, सागिर्द ने मना स्थिति को खराब कर दिया है, इकबाल नहीं तो फिर शासन चलेगा कहां से? सत्ता प्रतिष्ठान के लोग सिर्फ विपक्ष पर हमला करते हैं। अब विपक्ष पर जब हमला करोगे, अब अपराधियों के बेलगाम हाथ सत्ता की ड्योरी तक पहुंच गई। अब इतना के बावजूद भी अगर चेतना नहीं होता है तो कौन समझाएगा, बताइए। कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं होती है, कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई इन सब तो रूटीन वर्क है, कार्रवाई इसी को करते हैं, रूटीन वर्क है। घटना घट गई, पुलिस चल गई, FIR लिख लिया, रिपोर्ट कर गया, फिर ठंडा बस्ता में डाल दिया, रूटीन वर्क है। इसी को करते कानून का राज का मतलब खनक दिखनी चाहिए, इकबाल दिखना चाहिए, एक भय होना चाहिए, तो भय कहाँ? तो नीतीश मानता है कि हमारी सरकार है तो अच्छा नीतीश जी खुद भयभीत है बीजेपी से, कब तोड़ दे उनका पटिया के, उनका से भय अपराधी क्या रखाएंगे? वो लोग तो बोले RJD टूटने वाली है, RJD रोजगार देने वाली पार्टी, पार्टी मजबूत न है जी, जन विश्वास पर टिका हुआ है ना, जनता का दमन और उत्पीड़न वाली पार्टी नहीं ना है। तेजस्वी यादव कल यात्रा पे निकल रहे हैं और कार्यकर्ता संवाद यात्रा है, सीधा संबंध कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे, हर स्थितियों का जायजा भी लेंगे, संगठन को सशक्त और मजबूत और धारदार बनाने के लिए ट्रिप्स भी देंगे। आम जन का संगठन हो, जन सरोकार का संगठन हो, ये तेजस्वी जी का शुरू से ही संकल्प रहा है। तो जानेंगे चीज़ों को, देखेंगे भी, हर जिले में 2 दिन रहेंगे, तो कल से शुभारंभ है। हमें लगता है कि आज ही देर रात तक हो सकता है कि वो प्रस्थान भी करें। लेकिन ललन सिंह कर रहे हैं इस यात्रा से कुछ नहीं होने वाला है, लड्डू मिलने वाला है। लड्डू तो मिल ही गया उनको, डेरी मिल गया, मछली मिल गया, गाय बछड़ा मिल गया, नहीं मिल गया, सब मिल ही गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना क्यों उद्घाटन कर रहे हैं, निरीक्षण कर निकल जाने, काफी एक्टिव दिख रहे हैं। लूट सको तो लूट, अंतकाल पछताओगे, प्राण जाएगा छूट। तो आपने देखा, हमारे साथ शक्ति सिंह यादव थे, इन्होंने बढ़ते अपराध को लेकर कहा कि बिहार में अपराधी बेलगाम है, आए दिने अपराधी घटनाएं घट रही है, सरकार को इस अपराधी घटनाएं से, चाहे बिहार में जो अपराध हो रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं। बहरहाल इसको इतना ही, इसी तरह तमाम खबरें बने रहे, अपस्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।